केविन तो गाइस वन ऑफ द बेस्ट भारत बेंच में भी आज तक इतना कंफर्टेबल केविन मुझे नहीं दिखा। हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और होते ही है। हेल्पर तो किया ही नहीं बोले तो हम एज ड्राइवर ही स्टार्ट किए। भाई बैकग्राउंड सपोर्ट है तो आदमी कुछ भी कर सकता है, खाली वो सीखने के लिए आता है, समझने के लिए आता है। सीख लिया, समझ लिया, डाल लिया। हम जैसे महीने का 8000 किलोमीटर चलाते हैं तो 8×4=32,000 रुपए हमारा ये हो जाता है। मैं दुखी भी रहूंगा तो कोई आदमी मुझे लाके दे देने वाला नहीं है। हम अपने देश के जो है ना वो रीढ़ की हड्डी है। हमको कोई छोटी गाड़ी बोलेगा भी तो हम थोड़ा अवॉइड कर देंगे, नहीं चलाएंगे। अभी देखिए गाइस, इंजन खाली ऑन है और एसी का ब्लोवर बंद। केबिन के अंदर कुछ लग ही नहीं रहा है कि गाड़ी चालू। गाइज मैं हूं सुमित और आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है ऑन रोड विद सुमित में। आज की इस वीडियो में गाइज बंतोष जी हमारे साथ है, बंतोष पांडे जी, जो कि हैं यूपी के भदोही डिस्ट्रिक्ट से। और आज जो गाड़ी है, इस टाइप की गाड़ी मैंने भी कभी देखी नहीं है, पहली बार ही देख रहा हूँ। और अशोक लीलैंड का 5525AN यहाँ पे ये ट्राला घोड़ा क्या बोल सकते हैं इसे, देसी भाषा में ट्रेलर ही बोलते हैं, कई लोग घोड़ा बोलते हैं इसको, बोलने का तरीका है ना, तो वो यहाँ पे है। वैसे जो अशोक लीलैंड है गाइस, उसकी जो काफ़ी अच्छी लग्जरी और टॉप क्लास गाड़ियों की गिनती में जो है ये वाला ट्रेलर आता है। और अंदर से इसका केबिन जो है अभी हम आपको ऊपर चल के दिखाएंगे। तो अभी भैया लोग का जो है ग्रुप वगैरह बना के ये लोग काफ़ी रेस्ट वगैरह कर रहे थे, वहाँ पे पीछे बैठे हुए बाकी भैया लोग थोड़ा शर्मा सा रहे थे। हर आदमी को बोलने में शर्म लगती है, जैसे आप बोल सकते हो फ्री में, हर आदमी फ्री माइंड नहीं बात कर सकता। हाँ सही बात है, सबकी कंडीशंस थोड़ी अलग अलग रहती है और जगह बना हुआ है कि कौन कहाँ फ्री बात कर सकता है। हम ऑल पर्पस है, कहीं भी आप ले चलोगे वहाँ बात कर लेंगे। चलिए तो बंतो जी थोड़ा सा अपने बारे में पहले बताइए कि आप इस लाइन में कब से हैं। भाई साहब सन 1998 से गाड़ी में लाइन में है हम। 1998 से तो आज की डेट में आपको लगभग 24-25-26 साल हो गए। 26 साल हो। कौन कौन सी गाड़ियां चला रखी है आपने, कैसे आपकी शुरुआत हुई थी? हमारा स्टार्टिंग हुआ था स्टार्टिंग में तो 6 चक्की गाड़ी से और कच्चे माल में चलते थे हम दिल्ली से उड़ीसा। 6 चक्का गाड़ी, कितनी बड़ी गाड़ी थी 6 चक्का आपकी? बस इससे छोटी थी, 20 फीट के अंदर, टाटा की गाड़ी थी। टाटा 20 फीट के अंदर, 20 फीट के अंदर की गाड़ी थी। और स्टार्टिंग करने के बाद में हम उस पे एज ए हेल्पर स्टार्ट किया था आपने, एज ए ड्राइवर? नहीं, हेल्पर तो किया ही नहीं बोले तो हम एज ड्राइवर ही स्टार्ट किए थे, क्योंकि हमारे घर की गाड़ी थी स्टार्टिंग में। हाँ। तो पहले समय दादाजी के जमाने से गाड़ी थी हमारे पास में। अच्छा, आपके पास? हाँ, तो दादाजी उसी गाड़ी पे शुरू किया? तो नहीं, घर से देख देख के गाड़ी अपने सीख चुके थे। हाँ। तभी हमारी गाड़ी नहीं रही तो हमारे मतलब जैसे हाई स्कूल पास करने को 1998 में हाई स्कूल पास किया हम। अच्छा। उसके बाद में दिमाग में ऐसा आया कि मेरे को पढ़ाई करना ही नहीं है। अच्छा, अभी भैया लोग मजाक कर रहे हैं शायद, बताए एमबीए पास है बोल रहे थे वो करने की बात जो है कोई कुछ क्या बोलता है, लेकिन अपने को झूठ बोल के ना कोई हमको पढ़ा देगा नहीं तो मेरा कुछ ले लेगा। सही है, एक यही तो एक ज्ञान है जो कि कोई बांट नहीं सकता ना तो काट सकता है। ठीक है, जो अपने पास में है वो है। हाई स्कूल 1998 में मैं जाके लाइसेंस डायरेक्ट कलकत्ता में पहले बनवाया था, कलकत्ता में लाइसेंस बनवाया बिना गाड़ी चलाए, 1898 गाड़ी चलाया और डायरेक्ट गाड़ी पकड़ी हमने जाके, डायरेक्ट गाड़ी पकड़ी डायरेक्ट। तो उस समय जो 20 फीटी आप गाड़ी चला रहे थे 6 चक्का, उस पे कितनी सैलरी थी 1998 में? कुछ नहीं सैलरी, 3000 रुपए सैलरी थी। 3000 रुपए सैलरी थी। अच्छा, और आज की डेट में गाइस 26 साल बाद, और आज के 26 साल बाद में भी 5000 ही सैलरी है, बहुत ज्यादा सैलरी नहीं है, 5000 सैलरी है। मैनेजर का नंबर देता हूँ, बात कर लेना, पूछ लेना, कोई उसमें रोक टोक नहीं है, ना तो कोई झूठ बोलने की बात है। ये जो बात, तो है, बात है कि हाथी के दांत दिखाने के, तो हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ, तो ये और जो 5000 ही दिखाने के अंदर की बात कुछ और है। आज की डेट में गाइस 40 फीट लंबी ये जो गाड़ी है वो भैया चला रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि आप 40-50 हजार से कम कमा रहे होंगे। भाई देखिए, ड्राइवर कोई भी होगा 25-30 हजार रुपए नहीं कमाएगा तो गाड़ी नहीं चलाएगा, क्योंकि उसके पीछे भी कम से कम 4-5 बच्चे होते हैं, माताजी पिताजी प्लस एक रात दो छोटे भाई भी रहते हैं, तो वो भी रहता है, प्लस ऊपर से अपना खर्चा अपना मेंटेनेंस जो है वो तो है ही। तो थोड़ा मजाक से हट के सही से बताइए। मजाक में 100% सही बता रहा हूँ आपको, मेरा 5000 मतलब सैलरी है और फूडिंग का खर्चा 300 रुपीज है, वो भी ऑन स्टॉपिंग, मतलब गाड़ी खड़ी रहेगी तो। अच्छा, उसके अलावा इंसेंटिव वगैरह कितना है?
इंसेंटिव वगैरह में बोल के कुछ नहीं है, गाड़ी का मतलब माइलेज के बेस पे गाड़ी चलती है, 2 के एवरेज में गाड़ी चलती है। और आप कितना एवरेज निकाल देते हैं? कम अभी तो 2.10, 2.15, 2.20 लेटेस्ट, इससे ज्यादा नहीं निकल पाता है क्योंकि रोड और लोड दोनों देख के फिर माइलेज निकलता है, उसके पहले कुछ नहीं निकलता। तो मतलब मेरे समझ से बाहर है कि 5,000 आप एक तरफ 5,000 भी बोल रहे हैं, दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि अगर 25-30 हजार पे 3,000 अगर नहीं कमा रहा तो कोई मतलब सैलरी पास कैसे निकल रहा है? आपको बताया ना, 4 रुपए पर किलोमीटर कंपनी हमको बचत देती है। 4 रुपए पर किलोमीटर? पर किलोमीटर। हम जैसे महीने का 8,000 किलोमीटर चलाते हैं, तो 8×4=32,000 रुपए हमारा ये हो जाता है। वो 32,000 हो गया तो मान लीजिए कि 10-12,000 रुपए हमारा खर्चा हो जाता है, तो 20,000 ये बच जाता है, 5,000 रुपए सैलरी मिलती है, 25,000 हमको बच जाता है। समझ गया, अब आगे कहानी समझ में ना, वही बात है सैलरी की बात जो आप की है उसके लिए आपको बताया कि 5,000 आज भी है। आज भी है, चलिए उसके लिए कोई जेड गाड़ियां आपने चला रखी है, A to Z। तो ये गाड़ी तो अभी काफी नई सी दिख रही है, ये तो अभी 3 से 4 महीने की गाड़ी ही है। 4 महीने पुरानी गाड़ी है। इस गाड़ी के बारे में थोड़ा सा बताएं, कैसी है? 55-25 हजार, कितना लोड लेके जाती है, कंफर्ट कैसा है? कंफर्ट गाड़ी अच्छी है, अशोक लीलैंड की, और 40 टन में पास है ये गाड़ी। 40 टन? हाँ। क्या क्या लोड करते हैं आप इस वाले? लोड इसमें ऑल पर्पज मल्टीपर्पज है। मल्टीपर्पज आप इसमें सरिया लोड कर सकते हो, इंगोट लोड कर सकते हो, कोयला लोड कर सकते हो, ऑयल वगैरह, ऑयल लोड कर सकते हो, पाइप वगैरह, पाइप भी लोड कर सकते हो, मैग्नीज पत्थर लोड कर सकते हो। हाँ। ज्यादातर किस रूट पे चलते हैं? ज्यादातर हमारा नागपुर से और छत्तीसगढ़ चलता है। अभी इस समय थोड़ा सा नागपुर में लोडिंग स्लो है, इसलिए अहमदाबाद डाइवर्ट किया गया है। अच्छा। हाँ। तो अभी आप कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? अभी नागपुर से अहमदाबाद जा रहे हैं। अहमदाबाद, वहाँ से लोडिंग करेंगे आप? हाँ। तो खाली जा रही है इतनी? नहीं, लोड है। अच्छा, लोडेड है? ऑलरेडी लोडेड। देखना चाहूंगा अभी क्या चीज। जरूर जरूर लोड कर सकते, देख सकते हैं। ये देखिए गाइस, गाड़ी बाहर से देखने में लगती खाली है, बट इसमें अभी सरिया लोड है, ये देख सकते हैं। और थोड़ा बहुत नहीं गाइस, 40 टन जो है इसमें सरिया यहाँ पे लोडेड है। अब यहाँ पे चढ़ी गया हूँ तो थोड़ा सा इंजन देख लीजिए गाइस, ये है अशोक लीलैंड का इंजन, और ओवरऑल ये इसकी कुछ कहानी है। टायर मैंने आपको शायद गिनाए नहीं, कितने टायर है भैया इसमें? 18 टायर है, एक स्टेपनी है। 18 टायर, कोई लिफ्टिंग एक्सल भी है? नहीं, इसमें नहीं है। नहीं है, 18 टायर गाड़ी है गाइस, 18 टायर की गाड़ी है। 26 साल जैसे आपको इस पे हो गए, आपने कभी खुद की गाड़ी रखी है? जी नहीं सर। क्यों, कुछ कारण? नहीं, पैसे पहले क्या था, दादाजी के जमाने में गाड़ी देखे थे कि अपनी गाड़ी थी। हाँ। उसके बाद में बोलते हैं ना कि जैसे कि ये हाथ होता है। हाँ। इस हाथ को जब पूरा ताकत लगता है तब तो बराबर काम करता है, अब एक उंगली लगाएंगे तो काम नहीं कर पाता है। उसी हिसाब से हमारा पिताजी 5 भाई थे, और 5 अलग अलग हो गए जब, तो डाइवर्ट हो गए। तो डाइवर्ट जिंदगी में क्या होता है कि फिर कमाने खाने में सब व्यस्त हो गए, कमाने खाने में व्यस्त हो गए, फिर सिस्टर की शादी, अपनी शादी, पढ़ाई लिखाई, बच्चों की शादी। अच्छा। मतलब अभी मतलब तो मौका मिल नहीं पाया, इतना नहीं, पैसा कभी इकट्ठा हुआ नहीं, इकट्ठा हो ही नहीं पाएगा ना, तो रख पाए, होने का कोई चांसेस नहीं है। तो भविष्य में कोई प्लान है कि यार खुद की गाड़ी बनाएंगे, एक बार तो बनाएंगे? ऊपर वाला कोई गरम कर दिया तो बात की बात है। कईयों को देखा है 3-4 साल चलाते हैं और अपनी गाड़ी बना लेते हैं और खूब कमाते हैं। देखिए भैया, ऑलरेडी मेहनत से और ईमानदारी का जो काम करेगा ना, वो तो हम नहीं मान सकते कि कर सकता है। हाँ, कईयों का बैकग्राउंड सपोर्ट भी रहता है भाई। बैकग्राउंड सपोर्ट है तो आदमी कुछ भी कर सकता है, खाली वो सीखने के लिए आता है, समझने के लिए आता है, सीख लिया, समझ लिया, डाल लिया। आपने अभी तक कितने उस्ताद बना चुके हैं अपने अंडर में? कम से 4 से 5 आदमी तो हम खुद निकाल चुके हैं, ड्राइवर बना, 4-5 ड्राइवर हम बना चुके हैं। चलो ठीक है, थोड़ा सा आइए अंदर केबिन देखते हैं गाड़ी का। जरूर चलिए गाइस। भाई चढ़ने के लिए 3 स्टेप्स हैं इसमें, और बहुत ऊंचा ट्रक है, मतलब मेरी छाती के बराबर जो है इसका फ्लोर आ रहा है, बट फिर भी इसका बैठने में इसमें कोई भी समस्या, मतलब चढ़ने में कोई भी समस्या इस गाड़ी में हुई नहीं है। और केबिन अगर मैं आपको दिखाऊं तो यार सीट तो बहुत कंफर्टेबल है इसकी, सीट बहुत कंफर्टेबल है, प्लस ये गाड़ी भी बहुत कंफर्टेबल है। ओवरऑल कितने कह रहे हैं इसमें? इसमें 8 आगे के चलने के हैं और 1 रिवर्स है, 1 लो गियर है, सी गियर, ये देख सकते हैं गाइस। इसमें देखिए रिवर्स है प्लस 1 सी गियर है, उसके बाद 1 से लेकर 8 तक गियर है आगे चलने। ये जो सी गियर है ये क्या है? ये सी गियर ऐसा गियर है, जैसे लोडेड गाड़ी है, कहीं भी घाट और सेक्शन में आपकी गाड़ी खड़ी हो गई है तो ये सी गियर डाल के आप गाड़ी को उठा सकते हैं।
कुछ भी कितना भी लोड हो, लोड तो मतलब 40 टन ही रहना चाहिए हमारा, क्योंकि उसके ऊपर होगा तो कानूनन जुर्म हो जाता है। हाँ, 40 टन हमारी पासिंग है। मतलब जो टाटा यदि आपने चलाई हो तो आप जानते होंगे कमिंस इंजन कुछ, जरूर जरूर, तो वही चीज है क्या है? ये भी कमिंस इंजन है। कमिंस इंजन का सी गियर जो आता है काफी पावरफुल, फर्स्ट गियर से ज्यादा पावरफुल ये गियर होता है बराबर ओवरऑल। अच्छा, 3 महीने में 4 महीने में गाड़ी अगर आपको मैं दिखाऊं तो गाइस 12,439 किलोमीटर ये चली हुई है, एंड ओवरऑल एसी वगैरह भी है गाइस। जी हाँ, अरे वाह, आपका ये एसी चालू हो गया, ये देखिए एसी गाइस, यहाँ से टेम्परेचर कंट्रोल करने का भी है, और ये इसके ब्लोवर्स है, कुछ हवा इधर आ रही है। अच्छा, इंजन चालू होता है? जी हाँ, इंजन चालू होगा तभी एसी काम करेगा, तभी एसी काम करता है। इंजन बंद होता है तब ब्लोवर तो चलते ही नहीं चलेगा, ब्लोवर भी नहीं चलता जी। नहीं, अभी वो नया सिस्टम जो निकाला ना, लोग क्या रात को ब्लोवर चला के सो जाते थे तो बैटरी डेड हो जाती थी। अच्छा, अभी देखिए गाइस, इंजन खाली ऑन है और एसी का ब्लोवर बंद है, केबिन के अंदर कुछ लग ही नहीं रहा है कि गाड़ी चालू है। इतनी साइलेंट गाड़ी अशोक लीलैंड की यार, टाटा के मुकाबले अशोक लीलैंड काफी पावर में पिछड़ा हुआ माना जाता है। नहीं, अभी चेंजेस बहुत हुआ है, लेकिन आजकल का जो गाड़िया है अशोक लीलैंड की, ये आई थिंक ताकत भी है इनमें भरपूर, कम्फर्ट भी है, कुल मिला के पैसा आप दो, अच्छा टाटा में दो, भारत बेंज में दो, अशोक लीलैंड कहीं भी दो, आपको कम्फर्ट और लग्जरी जो है वो मिलेगी। इस गाड़ी में अभी दो लोगों का स्टाफ चल रहा है? सिंगल ही है, सिंगल ही चल रहा है। तो पूरे टाइम एसी वगैरह से ऐसा तो कुछ नहीं होता जैसे माइलेज गिर जाता हो इसमें? नहीं, एसी चलाते हैं तो थोड़ा माइलेज डाउन होता है। अच्छा, इसमें भी होता है? हाँ, इतना बड़ा इंजन है फिर भी? क्या है ना कि पहले एसी नाम का ही छोटा होता है, पर एसी जो है वो जब चलेगा तो खाएगा तो डीजल ही, क्योंकि इसका अलग से कनेक्शन है, नोजल के पाइप से अलग से कनेक्शन किया गया है। हाँ। और जब भी आप एसी चालू करोगे तो डीजल खाएगा ही खाएगा, और आपके माइलेज में जैसे कंपनी आपको यूरेज जो दे रही है उससे थोड़ा बहुत, कंपनी आपको 2 का माइलेज दे रही है। हाँ, 2 का माइलेज, आप 2.4 तक का निकाल? नहीं, 4 पॉइंट नहीं निकल रहा है, 2.20, 2.2, 2.3 मतलब लेटेस्ट है। और रोड का हाल जो है अभी बारिश में थोड़ा गड़बड़ है, तो भाई क्या करोगे, हर चीज में तो चल रहा है। स्पीड पे चलाते हैं आप? 40 और 50 का हमारा मिनिमम, इतनी बड़ी गाड़ी है ज्यादा स्पीड चलाएंगे तो रुकना भी तो चाहिए। इसलिए ब्रेकिंग उतनी अच्छी नहीं है? नहीं, ब्रेकिंग अच्छी है, लेकिन ज्यादा लोड लेके चलने के लिए अपने को 40, 45, 50 की स्पीड के अंदर चलना पड़ता है। बाकी ये देख सकते हैं गाइस, स्लीपिंग के लिए भी केबिन के अंदर काफी जगह है, एक आदमी तो आराम से सो सकता है। वैसे भैया, ज्यादातर ट्रक ड्राइवर जो है गाड़ी लेने के बाद इन सीटों को रखते नहीं है, यहाँ पे फ्लैट बेड सा बनवा लेते हैं। वो जैसे तो, पर्सनलाइज जो गाड़ी है आदमी का लेता है तो फ्लैट, जैसे 2 आदमी रहते हैं तो एक आदमी स्लीपिंग कर सकता है, दूसरे के लिए दिक्कत होती है, इसके लिए वो फ्लैटिंग जो बना लेते हैं बेड टाइप में, वो इसलिए बना लेते हैं जो दूसरा आदमी रहते हैं। इसमें कंपनी कुछ ऐसा करवाएगी? नहीं करवाएगी, ऐसा ही चलना है। और ये आई थिंक सबसे बेस्ट कम्फर्ट जो है, अभी देखो भैया जो है कितना बढ़िया जो है फैल के बैठ गए हैं, और ज्यादातर टाइम पैर वगैरह मतलब ऐसे ही फैला के रखते हैं। नहीं, वो तो खैर अभी बैठे हैं तो रेस्ट टाइप में है, इसके लिए ऐसा रख लिए है, रनिंग टाइम ऐसे, बाकी रनिंग टाइम ऐसे थोड़ी रखेंगे। भैया ने जो है जैसे बंद जब गाड़ी रहती है उसके लिए अलग से फैन वगैरह भी, ये आपने खुद अपने खर्चे से लगवाया? अपने खर्चे से लगवाया, कंपनी पैसा दिया है उसका। अच्छा, दिया है कंपनी पैसा? अच्छा, कंपनी के पास ऐसी कुल कितनी गाड़ियां हैं कुछ बता? कम से कम 2,500-3,000 गाड़ी है, ज्यादा होगी, कम से कम 8-10 हजार के ऊपर, 8-10 हजार गाड़ियां। क्या क्या नाम है कंपनी का? इंग्लैंड वर्ल्ड लॉजिस्टिक। अच्छा, सारी गाड़ियाँ इसी टाइप की है, इसी वाले में? नहीं, कई कई टाइप की गाड़ी है, उसमें 10 चक्का भी है, 12 चक्का भी है, 14 चक्का भी है, 18 चक्का भी है। अच्छा, तो कंपनी आपको खुद बताती है कहाँ से माल भर लो, ये कर लो, वो कर लो, या फिर आपको खुद थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है? नहीं, हमको कुछ नहीं करना है, हमको खाली गाड़ी सही डीलर पॉइंट पे ले जाके खाली करना है, खाली करने के बाद कंपनी में इन्फॉर्मेशन देना है कि सर मेरा गाड़ी खाली हो गया है, वो सामने वाला बोलेगा कि आप वेट करो, आपको बताता हूँ, सेम डेट में हो गया तो आपको कंफर्मेशन दे देगा, सामने वाली पार्टी का नंबर दे देगा, इस जगह पे जाके आप बात करो, वहाँ पे गाड़ी लोड हो जाएगी, अपन जाके लोड कर लेते हैं। कोई बंदा यदि आपकी कंपनी में जैसे किसी के पास लाइसेंस है ऑलरेडी 2-3 साल जो है
गाड़ी चला चुका है वो यदि आना चाहे तो कैसे आ सकता है? किसी एक जानकार आदमी के थ्रू ही आ सकता है, अदरवाइज क्योंकि उसमें गारंटर चाहिए। गारंटर मतलब क्या, आपके जैसा ड्राइवर? मेरे जैसा ड्राइवर कंपनी में चलाता रहेगा, उसकी गारंटी काम करेगी। अच्छा, कंपनी में जो ऑलरेडी काम करता हुआ होना चाहिए, वो बोलेगा कि साहब इसको भी रख लो, ये मेरी पहचान का है, गाड़ी अच्छी चलाता है, तो रख लेंगे। उनके पास यदि गाड़ी खाली होगी तो। वैसे अभी अभी है जगह गाड़ी? नहीं, कुछ पता तो रहता होगा आप लोगों को? नहीं, अभी हमारे ब्रांच में फिलहाल में जगह नहीं है। क्योंकि हमारा ब्रांच जो नागपुर का ब्रांच है, आपकी गाड़ी के पास छोटी से लेके बड़ी गाड़ियां सारी आपकी कंपनी के पास, तो सैलरी भी उसी हिसाब से होगी? सैलरी सबका करीब करीब सेम ही है, सबका सेम है, तो फिर फायदा क्या हुआ यार? कम रिस्क लो, छोटी गाड़ी चलाओ, इतनी बड़ी गाड़ी वो तो आदमी के हुनर के ऊपर है ना। अच्छा, वो आदमी के हुनर के ऊपर है, हमको कोई छोटी गाड़ी बोलेगा भी तो हम थोड़ा अवॉइड कर देंगे, नहीं चलाएंगे। इसमें कंफर्ट ज्यादा है मतलब? भाई शुरू से चला आए हैं तो अपने को कंफर्टेबल समझ जा रहे हैं। अच्छा, छोटी गाड़ी में मजा नहीं आता? नहीं आता, थकान हो जाती है। थकान हो जाती है ये है। कितना घंटे गाड़ी चलाते हैं दिन में आप, और कितने घंटे रेस्ट करते हैं? 350 से 400 किलोमीटर मान के चलिए, 350 किलोमीटर ये लंबी गाड़ी को लेके चलना पड़ता है, एक दिन में इतना चलना पड़ता है। कोशिश करोगे 400 चल जाए, नहीं चलता है तो 350। तो कुल मिला के नींद रेस्ट कितने घंटे का होता है? देखिए 4-5 घंटे गाड़ी चलाते हैं, हम 1-2 घंटे रेस्ट लेते हैं। 4-5 घंटे गाड़ी चलाएंगे तो 1-2 घंटे हम रेस्ट लेते हैं। ज्यादातर दिन में चलती है, रात में वो जैसा टाइम मिल गया, बारिश नहीं है, रोड साफ है, ट्रैफिक नहीं है तो चल लेते हैं। अच्छा, एक चीज मैं जानना चाहता हूँ, जैसे छोटी गाड़ियाँ रहती है कार वगैरह, सामने से जब वो हाई बीम मारती है तो ट्रक वाले जैसे इतनी ऊंचाई पे बैठे रहते हैं उनको भी आंख पे लगता है क्या? हाई बीम सबके लिए लगता है, और लो बीम जो होता है, पहली बात तो ड्राइविंग करने के कुछ नियम होते हैं, गाड़ी की दूरी जैसे हमारी 200 मीटर की दूरी के आसपास होती है तभी आदमी को लो बीम और हाई बीम का डिपर दे देना चाहिए, ड्राइविंग का मेन वसूल होता है। मतलब इतनी ऊंचाई पे बैठने के बाद भी हाई बीम जो है इंपैक्ट आंखों पे? हाई बीम उसका नाम ही है सर, उसका हाई बीम नाम ही है, वो पेड़ों के तो पेड़ों के हाइट तक वो पकड़ लेता है, ऊपर हो जाता है। हाई बीम का नाम ही जो है ना 10 फीट के ऊपर हो जाता है। यार गाड़ी मतलब फुल कंफर्टेबल है, ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें बड़ी बड़ी सीटों की जरूरत पड़ रही है। 50 लाख का सिर्फ यही है, ट्राली अलग है, उसकी अलग कीमत है, मतलब 5-1 लाख की तो होगी वो के आसपास, वो 14-15 लाख। हाँ, तो हाइड्रोलिक वगैरह है क्या? जी नहीं, हाइड्रोलिक नहीं, टोटल गाड़ी का लेके 15 टन 500 वजन है। ट्राली का मतलब हमारे हिसाब से 10 से 12 टन 12 टन 12.5 टन के आसपास। 12.5 टन ट्राली का है, और गाड़ी का कितना है? 3 टन 3 टन 3 टन 55 टन 500 पास करती है। मेरा RTO से पासिंग भी 55-500 की है। फाइनल सवाल, 26 साल आपको हो गए जी इस फील्ड में काम करते हुए, काम से आप खुश हैं? मेहनत करोगा कोई भी आदमी यार तो खुश रहेगा ही। अच्छा, अपने को मेहनत करना है। नहीं तो आप खुश हैं कि नहीं है? अरे खुश नहीं होते तो आपके सामने हंस के बात क्यों कर रहे होते? कई लोग बहुत दुखी होते हैं, अरे यार वो देखिए, दुखी रहने से जरूरी नहीं कि आप वीडियो बना रहे तो मैं खुश हूँ, ऐसा नहीं है। मैं दुखी भी रहूंगा तो कोई आदमी मुझे लाके दे देने वाला नहीं है, कोई आदमी लाके देने वाला नहीं है, और नाराज भी रहूंगा तो कोई आदमी आके मनाने वाला भी नहीं है। क्या क्या सबसे अच्छी चीज है जो आपको इस फील्ड की लगती है? हम अपने देश के जो है ना वो रीढ़ की हड्डी है, उसको समझने वाले का आदमी को चाहिए कि समझे या ना समझे वो बात की बात है, लेकिन हम देश की रीढ़ की हड्डी है। आज एक दिन आदान प्रदान या आना जाना बंद करवा दो 24 घंटे के लिए यातायात, तो आदमी को समझ में आ जाएगा कि ड्राइवर क्या चीज है। हुआ था ना अभी बीच में जनवरी में, वो तो जो हुआ था सो हुआ था, वो तो बात की बात हुआ था, उसमें गवर्नमेंट का कितना नुकसान हुआ था। अच्छा, वो बिल रुक गया कि अभी? नहीं नहीं, रुका तो कुछ भी नहीं है, 70 खरब रुपए का नुकसान हुआ था 24 घंटे के अंदर। तो ये था गाइस एक वीडियो अशोक लेलैंड की 5525AN को लेकर के। केबिन तो गाइस वन ऑफ द बेस्ट, भारत बेंज में भी आज तक इतना कंफर्टेबल केबिन मुझे नहीं दिखा जितना इस गाड़ी में लगा है, और ओवरऑल 40 टन वजन के साथ जो ड्राइवर वगैरह इनको बेस्ट कंफर्ट जो है ये गाड़ी देती है, और ओवरऑल ये जो है इसकी कहानी टोटल रही। वीडियो यदि आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और जल्द मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।